हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि हम लोग लाइव आ चुके हैं अभी? एक बार फटाफट से बताइएगा। ओके, आई थिंक अब हम लोग लाइव हैं शायद। एक सेकंड, अभी देखते हैं। यार भी शो नहीं कर रहा, क्या बात है। ओके, लाइव आ चुके हैं, ठीक है। 27 को मेरा थर्ड शिफ्ट में है। ओके भाई, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, एग्ज़ाम का भी पता चल गया कि किस तारीख को है अपना एग्ज़ाम। चलो एक बार जल्दी सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो, फटाफट से बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है, लाइव हैं अभी हम लोग। सबसे लास्ट दिन, अच्छा कह रहे सबसे लास्ट दिन, मज़ा आ गया। मतलब लास्ट दिन वालों को बहुत फ़ायदा होता है, ये हमको पता है ना, लास्ट दिन वालों को बहुत फ़ायदा होता है, हम लोग को जानते हैं अच्छे से। चलो जी, एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हमारे यहाँ मौसम आज बहुत ख़राब है, ठीक है, एकदम मज़ेदार मौसम हो रहा है, और मैं मज़ेदार मौसम में एकदम ज्योग्राफी का कंप्लीट सेशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चल, सेशन को एक बार सारे बच्चे शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से एक बार शेयर कर दो सेशन को। आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट ज्योग्राफी का सेशन, ठीक है, कंप्लीट ज्योग्राफी। आओ भाई जल्दी से। देखो यार, मतलब इन बैचेस, ये जो हम क्लास ले रहे हैं, इनका मतलब मैं बता दूँ क्या है। ठीक है, एक मिनट, चलो शुरुआत करें जी आज के सेशन की, ठीक है। हमारे यहाँ तो धूप है सर। क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा ताकि ज्योग्राफी हो जाए, एटलीस्ट टच हो जाए। पॉलिटी पार्ट टू नहीं आया, वो रिकॉर्डिंग बीच में अटक गई। मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, चेक किया तो उसमें आवाज़ ही नहीं थी, तो अब दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा चलो, अब यार अगर ना हम ज्योग्राफी के अंदर एक्सप्लेन करने लगे तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक का बेसिक सा मतलब ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखना है कि यार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसके अराउंड मुझे चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कोशिश करूँगा जो इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ बताता चलो, ठीक है। शुरुआत करें एक बार सारे बच्चे रेडी, ठीक है। कितने आर का सेशन होगा यार? जितना हम लोग सहन कर पाएंगे, जितना आप लोग पढ़ पाओगे उतने आर का हम लोग सेशन कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से पहले सवाल के साथ। मैं कोशिश करूंगा हर तरह के सवाल हम लोग देखें। चलिए, पहला सवाल क्या कहता है? द थ्योरी दैट डायनासोर वर ड्रिवन टू एक्सटेंशन बाय द आफ्टर मैथ ऑफ अ लार्ज एस्ट्रॉइड इंपैक्ट ऑन द अर्थ वाज गिवन बाय। ये कह रहा है वो सिद्धांत, वो थ्योरी किसने दी थी जिसके हिसाब से बताया गया है कि भैया डायनासोर हो गए थे विलुप्त जब एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आके पृथ्वी पर टकराया था। और मैं कोशिश करूंगा, मैं सारे सारे ना क्वेश्चन आसपास बताता चलूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा रिवीजन करें। चलो, अब नेक्स्ट मैराथन साइंस की लीजिएगा, नेक्स्ट मैराथन बायो की होगी, इसके बाद मतलब हिस्ट्री का होगा, देन बायो का होगा। चलो फटाफट से आंसर लगाओ, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सारे बच्चे एक बार मेरे को आंसर लगाते चलें, मैं रख लेता हूँ कमेंट सेक्शन सामने, मुझे दिखता भी रहेगा। चलिए, पहले क्वेश्चन का आएगा एलवरेज। ये आपको याद रखना है, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। एलवरेज को सवाल क्या पूछा था? नोबेल प्राइज़ मिला था भैया 1698 के अंदर। अब दूसरा सवाल यहीं से हम जान लेते हैं। जब मैं एस्ट्रॉयड बोलता हूँ, उल्कापिंड बोलता हूँ, सर जनरली हमें एस्ट्रॉयड किन प्लैनेट्स के बीच में दिखाई देते हैं? किन प्लैनेट्स के बीच में हमें एस्ट्रॉयड दिखाई देते हैं? ये एसएससी का बहुत घिसा पिटा सवाल है। और आंसर होगा मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर। जब उल्कापिंड आते हैं और पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो एक खड्डा कर देते हैं, उस खड्डे वाली झील को बोलते हैं क्रेटर झील। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। और भारत के अंदर ऐसी क्रेटर झील कौन सी है? लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील। ये लोनार झील कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रॉयड के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा, अबाउट 70% सूरज का जो हिस्सा है वो किसका बना हुआ है? 70%, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को आज। चलो, 70% सूरज का हिस्सा जो है किसका बना हुआ है? जितने हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जान लगा के आंसर करना है, ठीक है। 70% एरिया, सर हम लोग जानते दो ही चीज़ हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम, इसके अलावा हम कुछ पढ़े ही नहीं है। आंसर दीजिएगा हाइड्रोजन और हीलियम। करेक्ट आंसर मैं क्या लगाऊं? तो करेक्ट आंसर हम लोगों क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, याद रख लीजिएगा। अब एक चीज मुझे जल्दी से बताओ, सूरज के सबसे बाहर का हिस्सा, आउटर मोस्ट रीजन पार्ट, हमको कौन सा दिखाई देता है? भाई एक चीज ध्यान रखना, जब सूरज आसपास हमें एरिया दिखाई देता है, चमकता हुआ एरिया दिखाई देता है ना, उस चमकते हुए एरिया को हम कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। जितना हम सूरज के अंदर जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उतना टेम्परेचर क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा।
जो हिस्सा हमको दिखाई देता है सर, जो सन का हिस्सा हमको दिखता है उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। क्या बोलेंगे? फोटोस्फेयर। सूरज से जो किरणें आती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं रेडिएशन। सर कुल कितना टाइम लगता है सूरज की किरण को हमारे यहाँ पहुँचने के लिए? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, सबके ना आंसर मतलब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन जो है कितना है? 70% है। हीलियम जो है इसके बाद 28% बचा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन और अदर गैसेस जो है अलग अलग परसेंटेज कैरी करती हैं, जिसके अंदर नियोन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कॉन्स्टिलेशन। देखो ओरियन कॉन्स्टिलेशन कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनते चलते हैं, याद रहेगा। पहली बात मैंने बोली कि सबसे चमकदार तारा कौन सा है, मैंने कहा डॉग स्टार है। सबसे चमकदार तारा डॉग स्टार, या इसी को हम साइरस भी बोल देते हैं, ये सबसे चमकदार तारा है। लेकिन जब तारों का समूह आता है और वो सबसे चमकदार बनता है उसको हम बोलते हैं ओरियन नेबुला या ओरियन कॉन्स्टिलेशन। अब सवाल क्या आया? सवाल पीडीएफ विल बी अवेलेबल, बिल्कुल पीडीएफ आप लोगों को साथ ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से ओरियन के अंदर 7 अलग अलग तारे, उन तारों में सबसे चमकदार कौन? उन तारों में सबसे चमकदार है रीगल। अगर ऑप्शन रीगल ना दिखाई दे तो आएगा बेटी गिल्विज, ये आप याद रख लीजिएगा। ओरियन जो है एक ब्राइटेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर कॉन्स्टिलेशन है। सम ऑफ द स्टार सच एज, पहले नंबर पे ही प्रायोरिटी पे ये, देन सेकेंडरी पे ये, याद रख लोगे, यस और नो, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द टर्म ब्लड मून इज रेफर टू, ये पिछले साल के पेपर में ही देखने को मिला था। देखो ब्लड मून, ब्लड मून मतलब जो मून है इसके ऊपर पूरी परछाई आ रही है, पूरी परछाई आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं, याद रख लो, छोटी बातें एग्जाम में आती हैं। द टोटल लूनर एक्लिप्स समटाइम्स कॉल्ड एज ब्लड मून बिकॉज रेडिश टिंग ऑफ फुल मून टेक्स ऑन फुल एक्लिप्स, द टर्म इज ऑल्सो, हमने कोई मतलब नहीं, हम जान चुके हैं बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 7 के साथ 4 याद करने की नीड अपने को नहीं है। चलिए आपको बता, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन, इनमें से सबसे बड़ा जाने वाला कॉन्स्टिलेशन कौन सा है? करेक्ट आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, जनरली रेगुलर टाइम से हम इसको नहीं देखते हैं। तो लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट आंसर में क्या लगाऊंगा? हाइड्रा लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? हाइड्रा लगाऊंगा। अच्छा मुझे बताना, पृथ्वी के पास सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? पृथ्वी के नियरेस्ट स्टार, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में, पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा तारा होगा? हाँ जी, पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा लगाऊं? तो जितने बच्चे भैया आंसर देंगे एक बार जल्दी भाई, गलती से भी गलत नहीं करके आना है, सूरज होगा। याद रख लोगे, हाइड्रा इज द लार्जेस्ट 88 मॉडर्न कॉन्स्टिलेशन के अंदर, 1303 स्क्वायर डिग्री का एरिया जो कंप्लीट करा है, ये आराम से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट, डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे गर्म तारा ये है। सबसे गर्म कहूँ भैया पृथ्वी का ट्विन सिस्टर कह दूँ, सुबह शाम का तारा कह दूँ, मॉर्निंग इवनिंग स्टार बोल दूँ, सबसे ज़्यादा अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो 90% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके जो बादल बनते हैं वो पीले कलर के बनते हैं, क्यों? क्योंकि सल्फर की मौजूदगी है। सर ये जो ग्रह है वो क्लॉक की डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज चक्कर काटता है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वीनस रहेगा। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, वीनस का कोई अपनी सैटेलाइट है या नहीं है? वीनस की क्या कोई अपनी सैटेलाइट है? तो आंसर होगा भैया नो सैटेलाइट, अपना कोई उपग्रह नहीं होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, इन इंडिया द उसरा मेजर कॉन्स्टिलेशन आल्सो नोन एज, उसरा मेजर कॉन्स्टिलेशन को हम किस नाम से जानते हैं? आंसर लगाओ, देव ऋषि है, महारिषि है, सप्तऋषि है और स्वादिषि है। भैया 7 ग्रहों का हंटर जैसा दिखाई देता है, इसको सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सप्तऋषि बोलते हैं। अच्छा ये कौन कौन से स्टार्स हैं इनको एक बार पढ़ के देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैराथन जल्दी जल्दी, ठीक है मैराथन जल्दी जल्दी लूँगा। तो भृगु, अत्रि, एंग्रियाज, वशिष्ठा, पुलस्ता, पुला, ये याद कर लेना, ये स्टार्स का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह को हम क्या बोलते हैं? मरकरी एज इट क्लोजेस्ट टू द सन, यार सबसे पास है लेकिन वो ना सुबह और शाम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन खुद का कोई एटमोसफेयर नहीं है मरकरी का, तो गैसेज नहीं है तो रोक ही नहीं पाता हीट को, तो इसीलिए सबसे हॉट नहीं बोलते हैं उसे। आंसर दीजिएगा,
द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, भैया क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। पहले क्रस्ट आएगी, फिर मेंटल आएगी, फिर कोर आएगी। करेक्ट आंसर हमारा क्रस्ट होगा। अब मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करना कि इन तीनों लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा, इन तीनों लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है, क्रस्ट, मेंटल या कोर? सोचो और आंसर लगाओ, सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है? मतलब पृथ्वी का, हमने कहा ये पृथ्वी का एरिया है, इसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर तीन चीज़ें, सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता होगा? बहुत बढ़िया, पूरी क्लास का सही है, तुम देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा, मैक्सिमम एरिया कवर करेगा मेंटल, मिनिमम एरिया कवर करेगा क्रस्ट, इतना याद रख लोगे। तो अर्थ क्रस्ट जो है एक थिन शेल है जहाँ पे 1% अर्थ का वॉल्यूम, ये तुम लोग पढ़ते रहे ना, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, पृथ्वी के अंदर अगर भूकंप आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इसमें कोई शक ही नहीं है, सिस्मोलॉजी कहेंगे, लेकिन बाकी हमें जान लेने हैं, है ना, बाकी हमें जान लेने। जब आप रिविजन करोगे इन चीज़ों पर ध्यान देना है, यहीं से नंबर बनेंगे। आगे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ डेट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स विच फिट टूगेदर लाइक जिग शॉ पजल। ये गजब सवाल है भाई, ये गजब सवाल है, आंसर दीजिएगा। सवाल समझ में आ गया सबको? सवाल क्या कह रहा है कि आउटर लेयर है पृथ्वी की और प्लेट ना एक दूसरे से जिग शो की पजल की शेप में अटके हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एस्थीनोस्फेयर, क्या होता है ये हमने मान लो बना दिया, ऊपर का एरिया लिथोस्फेयर का, फिर एस्थीनोस्फेयर का, फिर नीचे ये वाला मीजोस्फेयर का होता है, ये आपको एरिया याद रखना है। बायोस्फेयर क्या होता है? जहाँ पे हाइड्रो, एटमो, लिथो मिल जाए, ये बायोस्फेयर होता है। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा यही जा रहा है कि आउटर लेयर अर्थ की जो प्लेट्स की बनी होती है जिग्सॉ पजल के अंदर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया अक्षय, वेरी गुड। रेल शॉर्ट्स, वेरी गुड। करेक्ट आंसर पता क्या लगाऊंगा? लिथोस्फेयर लगाऊंगा। करेक्ट आंसर क्या लगाऊंगा? लिथोस्फेयर आपको रट लेना है, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे एस्थीनोस्फेयर किस लेयर के अंदर आती है, एस्थीनोस्फेयर ना मेंटल का एरिया कवर करती है। किसका एरिया कवर करती है? मेंटल का, मेंटल का एरिया कवर करती है। दिमाग में फिट कर लो पिक्चर। नेक्स्ट आएगा, यूफोरा इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, यूफोरा किसकी नेचुरल सैटेलाइट है? आंसर लगाओ। हमें पता है सबसे छोटी सैटेलाइट डीमोस है, डीमोस। सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेडा, गैनीमेडा, ये जुपिटर की है, ये मंगल है, मंगल, ये मार्स की है। तो अब आपसे पूछा ये जा रहा है, यूफोरा जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है किसकी? सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर और मार्स। करेक्ट आंसर, यूफोरा क्या एक नेचुरल सैटेलाइट। भाई याद रख लेना, चाहे वो कैलीसीटो हो चाहे वो यूफोरा हो, दोनों याद कर लेना, इन्हें गैलीलियन सैटेलाइट भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर जुपिटर रहेगा। अगर मुझसे कोई ये पूछा जा रहा है, यार बफरिंग हो रही है क्या? यार मेरे एंड पे तो ठीक चल रहा है, रोबिन अपने एंड पे ठीक है भाई, एक बार चेक करना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर सवाल पूछा जुपिटर, करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं, उपग्रह किसके हैं, तो याद रख लेना जुपिटर के 92 सैटेलाइट हैं, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इसी के हैं, ये भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, इन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार द स्टेज नेबुला रेफर्स टू, एक ये बता दो, एक मुझे बता देना व्हाट इज सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या होता है, एक मुझे बता दो कि स्टेज जो है नेबुला किसको क्या कहा जाता है? वो स्टेज होती है जिसमें आउटर लेयर एक्सपेंड हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है और बाद में लेस चमकदार हो जाती है, लास्ट स्टेज उनकी साइकिल की होती है। क्लाउड ऑफ डस्ट और हाइड्रोजन को नेबुला कहते हैं और आउटर शेल ऑफ स्टार को हम नेबुला कहते हैं। आंसर दीजिएगा, अगेन बहुत बढ़िया सवाल, एकदम बढ़िया सवालों में से एक सवाल है, आंसर लगाओ। इन लाइफ साइकिल ऑफ स्टार नेबुला का, नेबुला बिल्कुल स्टार्टिंग फेस होगी, नेबुला ना स्टार्टिंग फेस है, ठीक है। हाँ जी लगाओ जल्दी से, सुपरनोवा जो है विस्फोटक तारा है, एक्सप्लोडिंग स्टार, एक्सप्लोडिंग स्टार, एक्सप्लोडिंग स्टार है। आंसर लगाओ, फटाफट से दाग दो, ठीक है। तो याद कर लेना, याद कर लेना, ये साइकिल जो होती है ये जनरली क्लाउड डस्ट और हाइड्रोजन की मिलकर बनती है, नेबुला होते हैं, आगे जा जाके वो रेड जाइंट स्टार, ठीक है, ये सब बनता जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैनीमेडा इज नॉट करेक्ट, इसमें से बताना है कौन सा कथन गैनीमेडा का सही नहीं, और गैनीमेडा हम लोग जान चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात भी की है। आंसर लगाओ, बिगर देन मरकरी, मरकरी से बड़ा है, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम के अंदर, ओनली मून है जिसको हम जानते हैं कि भैया काम कर रहा है, या रिवॉल्व अराउंड सैटर्न। करेक्ट आंसर लगाओ, लगाओ जरा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, गैनीमेडा।
और सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक भी करना है भाई, दोनों काम करने तुम्हें, सेशन को शेयर और लाइक दोनों काम, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भैया सैटर्न का नहीं था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जुपिटर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, जुपिटर होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। आगे चले, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेले कॉमेट, हेले कॉमेट जो है हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड घूमता है कॉमेट पुच्छल तारा, तो हमें कितने टाइम बाद दिखाई देता है वो पुच्छल तारा, 30 से 31 सालों में, 45 से 46 सालों में, 85 से 86 सालों में, 75 से 76 सालों में, हेले कॉमेट के बारे में बात कर रहा हूँ, करेक्ट आंसर दाग दो। स्पीड सही है यार, स्पीड सही है, ठीक है। इस तरीके से हम ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। चलो, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेले कॉमेट, हेले देखो एस्ट्रॉयड जो है हमें दिखाई देता है मंगल और जुपिटर के बीच में, हमारे पास से गुजरता है, कोई टकरा जाता है गिर जाता है। कॉमेट जो होता है वो सौर मंडल में घूमता रहता है और हमें हर 75 से 76 सालों में दिखाई देता है, याद रखोगे। हमने बात की कॉमेट का नाम हेले कॉमेट जो है, मोस्ट फेमस कॉमेट है, पीरियोडिक कॉमेट है, पृथ्वी के आसपास जब गुजरता है 75-76 सालों में गुजरता है, और ह्यूमन को अपने जीवन काल में अगर ठीक ठाक वो जी रहा है तो दिखाई देगा, ठीक है। शेयर ही नहीं करते हैं सर, तभी बच्चे नहीं आ रहे लाइव, कोई बात नहीं, चलो अब जो है हम तो करेंगे ही, इससे तेज नहीं जाना, ठीक है। द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज, हमें रात में आसमान में चमकते हुए चीज़ें दिखाई देते हैं, तारा दिखाई दे रहा है, मून दिखाई दे रहा है, और 70 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, तारामंडल दिखाई दे रहा है, नहीं 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 नहीं, हम उनको शुद्र तारे कहते हैं, नहीं कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं। अच्छा एक बार जल्दी से बताना, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, ये तो कोई बच्चा भूलेगा नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम लोग रहते हैं, इसका आकार अगर पूछ ले तो एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल आकार के गैलेक्सी के अंदर हम लोग रहते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। अगर मैं कहूँ पूरे आसमान में सबसे बड़ी यूनिट जो डिस्टेंस मेजर करती है उसका नाम क्या होगा सर, उसका नाम होगा, जल्दी से बताओ, उसका नाम होगा पारसेक, ये याद कर लोगे, उसका नाम क्या होगा, पारसेक होगा। अब देख लो सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी वो होता है जो कैन बी डिफाइंड एज अ नेचुरल बॉडी, हमारे पृथ्वी के एटमोसफेयर के बाहर है, जो एक हेवनली बॉडी है, जो स्पेस के अंदर सूरज चांद तारे ग्रह ये सारी बॉडी को हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। आगे आ जाओ, लूसीफर किसका नाम है, लूसीफर इज द नेम ऑफ, लूसीफर इज द नेम ऑफ, आंसर लगाओ, लूसीफर किसका नाम है, बहुत प्यारा सवाल है, जुपिटर मार्स वीनस सैटर्न। अच्छा एक मुझे सैटेलाइट का नाम बताना, किसकी सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम बताना, सैटेलाइट है टाइटन, किसकी सैटेलाइट होगी, किसकी सैटेलाइट होगी, एंड्रोमेडा नियरेस्ट गैलेक्सी, बहुत बढ़िया सर, एंड्रोमेडा हमारी पास वाली गैलेक्सी है, लगाओ जी लगाओ आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लूसीफर जुपिटर का नाम है, गजब वीनस लगाना है, हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यही एग्जाम में आता है, ठीक है जी। आगे चलूं, एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लूसीफर, इसका मतलब होता है वीनस, बस इसका मतलब क्या होता है, वीनस होता है। आ जाओ भाई नेक्स्ट, प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल करते हैं जब एक थिन गैसेस एनवलप जो है मून के अराउंड बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के तारों और पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन दमदार है, लूनार एक्सोस्फीयर है, लूनार स्ट्रेटोस्फीयर है, लूनार थर्मोस्फीयर है, लूनार एंडोस्फीयर है। बाय चांस मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, तो मैं देखूंगा यार कौन सी गैसेस के बारे में बात करें, तो मैं कहता हूँ ये कौन है, ये मून है, और मून के अराउंड अराउंड एक गैसेज है, और सबसे बाहर है, बाहर का मतलब एक्जो होता है, बाहर का मतलब एक्जो होता है, तो लूनार एक्जोस्फेयर रहेगा। अच्छा पिछले का आंसर दे दिया, सैटर्न की है, हाँ जी क्या होगा, लूनार एक्जोस्फेयर होगा, जो बाहर होता है, बाहर मतलब एक्जोस्फेयर, ठीक है इतना याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाएगा, द थिन गैसेज एनवलप अराउंड द मून इज कॉल्ड एज लूनार एक्जोस्फेयर, बाउंडेड द एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस एंड मून, ये बस छोड़ दो, आ गया। नेक्स्ट है, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। लो जी अब आपको ग्रहों के बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मार्स और सैटर्न के बीच में कौन पड़ता है, ये आप आंसर लगाओ, इजी क्वेश्चन है भाई,
ये है मार्स, ये है सैटर्न, बीच में क्या आ गया, जुपिटर। जब इस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है तो ऐसा लगता है ज्योग्राफी तो कर ही लूँगा, है ना, लेकिन मुश्किल भी आते हैं भाई, आसान भी आते हैं मुश्किल भी आते हैं। जुपिटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आएगा, हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट ओन एक्सिस इन वन आवर। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ये कह रहा है कि बताओ कि पृथ्वी जो है अपने कक्ष पे कितने डिग्री पे एक घंटे में चक्कर काटती है। आंसर लगाओ फटाफट से, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 24 डिग्री। सर ये जानते हैं ना हम, ये तरीका 360 डिग्री 24 घंटे काट दिया तो 15 डिग्री एक घंटे में चक्कर, तो आंसर क्या हो गया, 15 डिग्री हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कोई डाउट? इजी क्वेश्चन है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। पृथ्वी का सबसे आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट कौन सा होगा? जस्ट अभी हमने करके भी हटे हैं, कौन सा होगा भाई आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट? क्रस्ट है, ठीक है। एक वर्ड याद रखना, सीमा, सियाल, निफी, ये हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, ये हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, ये आप याद करिएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ मून। भाई अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं याद रहा, और ऑब्वियसली बात है नहीं याद रह सकता, ठीक है, तो आज के बाद आप याद रखिएगा 174 इंटू में 6, ऐसे कर लो याद, 174 इंटू में 6, यानी 10 की पावर 6 होनी चाहिए और 174 होना चाहिए, 1.74 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, रेडियस ऑफ मून, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है भाई, क्लियर इतना। आगे चलो, द रेडियस ऑफ द मून ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलो, नेक्स्ट सवाल आता है, ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ एपिहेलियन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज। देखो दो चीज होती है, या तो पृथ्वी जो है सूरज के सबसे पास होगी या सबसे दूर होगी, ठीक है, दो ही तरीके हैं। एपिहेलियन का मतलब क्या है, पास या दूर, एक पेरिहेलियन होता है एक एपिहेलियन होता है, बस इन दोनों में आंसर लगाना है, लगाओ जरा आंसर। तो एपिहेलियन का मतलब होता है फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर वाला पॉइंट, तो सबसे दूर वाला पॉइंट कितनी वैल्यू है, 152 रट लो, कितनी है 152, 147 पास वाले की, गजब, 147 पास वाला, ये पेरिहेलियन है, पेरी मतलब पास, दूर का मतलब 152 होगा। आगे आ जाओ, डैश इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट विद अर्थ सोलर सिस्टम। ये कह रहे यार इसको ना अब प्लैनेट नहीं माना जाता, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने कहा नेपच्यून है, प्लूटो है, मार्स है और यूरेनस है, करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं, ठीक है चलो आंसर लगाओ। यार पेरी का मतलब पास है, ठीक है अक्षय, पेरी का मतलब पास लगाओ, चलो तुमने आंसर लगाया प्लूटो, मैं ये कह रहा हूं प्लूटो को एक प्लैनेट का दर्जा छीन लिया था, कैंसिल किया था, किस साल में, क्वेश्चन बनना चाहिए ये 2010, 2005, 2006 या हम नहीं जानते, हमने सवाल ये पूछा कि प्लूटो अब ग्रह नहीं है। अरे अरे देखो एक आंसर पहले ही लगा दिया, हर्ष ने आंसर पहले लगा दिया, और किसने, AIU इस संस्था ने जो है प्लूटो से दर्जा छीन लिया था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2006 AIU ने दर्जा छीना था। इधर देख लेते हैं, सिंस 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यूनियन पैलेंट्रिक्स का यूनिट आएगा, इज एंड कंसिडर प्लैनेट एंड नेबरहुड, और उसका दर्जा छीन लिया गया था, और उसको आज क्या बना दिया गया, बोना ग्रह बना दिया गया। नेक्स्ट आएगा, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है कौन, जिम्मेदार है इनर कोर, मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट, गजब सवाल, यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन गलत करके आएंगे हम लोग, आंसर दीजिएगा सर, बहुत प्यारा सवाल। ये कह रहा है कि जो अर्थ की चुंबकीय फील्ड बनता है ना, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इनमें किसके कारण है। देखो जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ ऊपर क्रस्ट दिखाई देता है, फिर हमें मेंटल दिखाई देता है, फिर हमें आउटर कोर दिखाई देता है, फिर हम लोगों को इनर कोर दिखाई देता है, इनर कोर। अब ये पूछ रहा है इनमें से क्या लगाऊं आंसर, ठीक है इनमें से क्या लगाऊं आंसर, है ना गजब सवाल। तो इनमें से आंसर पता क्या होगा, आज के बाद आप याद रखोगे, आउटर कोर होगा, क्या होगा जी, आउटर कोर, हाँ अभी आठ, आउटर कोर, ये आपको ध्यान रखना है,
है ना, ये सवाल आप ध्यान रखेंगे, ये अच्छा सवाल है। आ गया, हर 5-7 सवाल के बाद एक सवाल हमको याद करने को मिलेगा ही मिलेगा, जो पेपर में हमको याद करके जाना चाहिए। नेक्स्ट है, द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूटन है, न्यूमिलस है और नॉन न्यूमिलस है। ठीक है, देखो भाई सीधी सीधी बात, अगर कोई मुझसे कह रहे चंदा मामा कैसे, तो मैं ये कहता हूँ चंदा मामा ना तो ट्रांसपेरेंट है ना ट्रांसलूसेंट है, अपने आप तो चमकते ही नहीं है, तो क्या आंसर होगा? नॉन ल्यूमिनियस है, अपनी कोई चमक नहीं है, अपनी कोई चमक नहीं है, करेक्ट आंसर नॉन ल्यूमिनियस होगा। नेक्स्ट आओ, द प्रोसेस डेट मूव एलिवेट और बिल्ड अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कोल्ड एज। ये कह रहे पृथ्वी की सतह मूव होती है, बिल्ड होती है, ऊपर उठती है, किस प्रोसेस के कारण होती है? डेनुडेशन है, वॉल्केनिज्म है, वेदरिंग है और डायाट्रोपिज्म है। करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं? गजब क्वेश्चन। अब जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बच्चों को लगेगा यार हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक बार सोच के देखो। डेनुडेट, डेनुडेट का मतलब चीजों का कटना, वॉल्केनिज्म मतलब जमीन का फटना, वेदरिंग मतलब कटाव, और सिर्फ एक ऑप्शन बचा जिसका तुम्हें नहीं पता था और वही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डायास्ट्रोफिज्म। याद रख लोगे आंसर क्या रहेगा? डायास्ट्रोफिज्म, ये आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। व्हेन आर नीप टाइड प्रोड्यूस, व्हाट इज नीप टाइड? नीप टाइड क्या होता है? ज्वार तो है। कैसे? जब सूरज और चंदा मामा एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, जब सूरज पार्शली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है पृथ्वी को, जब पृथ्वी और मून एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में है, जब सूरज जो है लोअर हो जाता है ग्रेविटेशनल पुल पुल मून के ऊपर। करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं? अगेन बेहतरीन सवाल, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, आंसर लगाओ। रोबी ने डेनुडेशन लगा दिया आते ही पहले। राइट एंगल ए, वेरी गुड यार, याद रख लेना। नीप टाइड क्या है? लघु ज्वार क्या है? जब सूरज और चंदा मामा एक दूसरे के राइट एंगल पे आ जाए टू द अर्थ के। ठीक है, याद रख लोगे, अच्छा याद करने वाला सवाल है ये। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज गैस प्लैनेट। देखो शुरू के ग्रह और आखिरी के ग्रह, शुरू को बोला जाता है टेरिटोरियल प्लैनेट्स, आखिरी वाले को बोला जाता है जोवियन प्लैनेट। अब ये गैशियस किसको बोला जाता है वो भी आंसर लगा दो। ठीक है, गैशियस किसको बोला जाता है? कपूर बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, लगाओ जी आंसर। गैस वाला जाइंट कौन है? जुपिटर होगा। क्या होगा? जुपिटर। शुरू के ये सारे कौन से हैं? ये टेरिटोरियल है। जोवियन को ही हम गैशियस प्लैनेट भी बोलते हैं, गैशियस प्लैनेट। आगे चलें। नेक्स्ट, द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यू मून इज हाउ मेनी डेज। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मून जो है लगभग हमारे जितना चक्कर लगा रहे हैं, हमारे जितना चक्कर लगा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट कितना पीरियड जो टाइम है एक न्यू मून लेता है, कितने दिनों का? 15.5, 18.5, 29.5 और 15। करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं? हाँ जी, करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं? तो करेक्ट आंसर होगा 29.5, ये लगा दो, करेक्ट आंसर होगा 29.5। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड ग्रेट बियर मेड अप ऑफ। ये कह रहे ग्रेट बियर जो है कुल कितने स्टार से मिलकर बना है, कितने स्टार से मिलकर बना? 3, 7, 5, 9। करेक्ट आंसर लगाओ। ग्रेट बियर, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कुल कितने सर्वाधिक चमकीले तारों से बना हुआ है? तो 3, 7, 5 और 9 करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, 5, 7 लगाओ। कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। इधर देख लो, द कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड द ग्रेट बियर इज मेड अप ऑफ 7 स्टार। कितने स्टार हैं? 7 स्टार, याद रखो जी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून। सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा मून हैं। जुपिटर के, सैटर्न के, यूरेनस, नेपचून, हम जानते हैं जुपिटर है। कितने हैं ये याद रखना है, 92। इसके बाद सैटर्न के कितने हैं? 83, ये भी याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये याद रख लेना भाई, इसमें थोड़ा डाटा ऊपर, मरकरी का कोई नहीं है, वीनस का कोई नहीं है, पृथ्वी का एक है, मंगल के दो हैं, जुपिटर के 92 हैं, सैटर्न के 83 हैं और यूरेनस के 27 हैं, नेपचून के 14 हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट आएगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमको पता है, आपको नाम बताने किसने दी थी? हु हैज गिवन द बिग बैंग थ्योरी? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। आपको बस इतना बताना है बिग बैंग थ्योरी दी किसने है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एकदम ताबड़तोड़ आंसर आना चाहिए।
हु हैज गिवन द बिग बैंग थ्योरी? ताबड़तोड़ आंसर, जॉर्ज ली मैट्रे, याद रख लोगे, जॉर्ज ली मैट्रे। तो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स का, ये रहा जॉर्ज ली मैट्रे, इन भाई साहब ने यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राफ्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम? ड्राफ्ट सुना, प्लूटो याद आ गया। ऑप्शन देखता हूँ, यूफोरा, कैलिसिटो, मेक मेक, गैनमेड। अरे इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, क्या लगाऊँ आंसर? इसमें तो ऑप्शन नहीं है, आंसर क्या लगाऊँ? बहुत बढ़िया रोबिन, ज्योत्सना, बहुत सही, लगाते चलो आंसर। सवाल समझ में आ गया, बोना प्लैनेट इनमें से किसको बोला जाता है? यूफोरा है, कैलिसीटो है, मैकमेक है और गैनीमेड है। एक हमने प्लूटो सेट कर लिया, प्लूटो बोना ग्रह है, दूसरा सर मेकमेक याद कर लिया, मेकमेक याद कर लिया, बहुत बढ़िया हर्ष कपूर, वेरी गुड। ठीक है यार, वो तो दिया नहीं ना, प्लूटो तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो मुझे कोई तो आंसर लगाना था ना। अच्छा ए लगाया है अनिकेत, ना भाई ए नहीं लगाऊंगा। ठीक है अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज नोन एज हंटर मून इन द वेस्ट इज कॉल्ड इन इंडिया? हंटर मून, ठीक है आपको एक आकृति दिखाई देती है हंटर वाली, तो कह रहे उसको क्या कहा जाता है? पोषा पूर्णिमा है, मघ पूर्णिमा है, चैत की पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा। करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं, जल्दी लगाओ, करेक्ट आंसर रहेगा कार्तिक पूर्णिमा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कार्तिक पूर्णिमा, याद रख लोगे हाँ या ना? कार्तिक पूर्णिमा करेक्ट आंसर रहेगा। आज ज़्यादा बच्चे नहीं है क्लास में, आज ज़्यादा बच्चे हैं ना क्लास में? ठीक है, तो जब हम लोग इस तरह का कोई मैराथन लेते हैं तो भैया आ जाया करो सेशन में, आ जाया करो, तुम्हारा ही सेशन है। चलो कोई बात नहीं, अब मेरे को करवाना ही है यार, अब सीधी सीधी बात है, अपने को सेशन कवर करना ही है। अब बच्चे आए या ना आए उससे मैं रुकने वाला नहीं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन डैश इन द नॉर्थ ऑफ, अरे ये तो मुझे पता है कि भारत कहाँ लोकेटेड है। तीन लाइन आती है, एक आती है कैंसर, एक आती है इक्वेटर और एक आती है कैप्रिकॉन, तो मैं आंसर क्या लगाऊं? ये तो मुझे आता है सर, ये तो मैं बता दूंगा, आठ राज्य। ठीक है सही है, मुझे आता है आंसर लगाना। यार मेक में किसी का मून नहीं है, ठीक है ये आपको ना सोलर सिस्टम में बाहर बॉडी तैरती हुई नजर आती है। आइलैंड मतलब इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ किसके, आंसर लगाओ, इजी क्वेश्चन। ठीक है चलो देखो यार, पता क्या गलती हो सकती है, जैसे आंसर लगाया बी वैष्णवी ने, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि इंडिया इज लोकेटेड, जो कैंसर की लाइन है ना, जो कर्क रेखा है, वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, लेकिन उसने कहा है कि उत्तर में किसके पड़ता है, इक्वेटर के उत्तर में पड़ता है, नीचे तो इक्वेटर पड़ता है ना, ये तो इक्वेटर का पोर्शन है, इसके ऊपर ही तो पड़ता है, तो इक्वेटर लगाना है, इक्वेटर लगाना है, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है चलो, तो याद रख लेना कि 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटिट्यूड है। अच्छा ये वाला ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस लेटिट्यूड से किस लेटिट्यूड तक है, और 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपको याद रखना है। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, यहाँ पे है 68 डिग्री 7, यहाँ पे है 97 डिग्री 25 ईस्ट, यहाँ पे है 37 डिग्री 6 और नीचे है 8 डिग्री 4, यहाँ अंडेमान निकोबार होता तो 6 डिग्री 4 होता, तो इसके बीच में हमें जो है एक हल्का सा एक आइडिया रखना है। तो भैया ऐसे ऐसे कुछ है, ठीक है एक बीच में थोड़ा सा आइडिया के रूप में याद रख लेना। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, हाँ जी भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमें पता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबको याद है सर, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, अगर आप मुझे फॉलो करो, कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, इसकी एक ट्रिक बताई थी, कोई मुझे बताएगा? हमने ISTS से बात याद की थी, ISTS कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत की मानक रेखा कुल कितने राज्यों से, GMT की रेखा कुल कितने राज्यों से, ऐसे हमने कुछ पढ़ा हुआ है ना, एक बार आंसर लगाना। द स्टेट डज द ट्रॉपिक कैंसर रन, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा टोटल नहीं मुझे, इनमें से कौन सी है, स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन, आंसर लगा दो। असम है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर, अच्छा सवाल है, मिजोरम होगा। ठीक है, कैस्पियन सागर, अगर नहीं ट्रिक याद आ रही, ट्रिक याद कर लेना, तारीख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ठीक है,
कजाकिस्तान, ईरान, याद रख लोगे। जीएमटी की रेखा, तुम सब फ्रांस गए, फ्रांस गए, घाना, फ्रांस, इस तरीके से एक ट्रिक बनाई थी, इसको एक बार देखो, पेपर में काम आती है ये, ठीक है, पेपर में। बुरकियानो फासो, टोगो, माली, ठीक है, एग्ज़ाम में नज़दीक, एकदम एग्ज़ाम में क्लिक होगी तुम्हें, हाँ यार हमें तो आता है। अच्छा, आईएसटी की रेखा कुल कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, इससे कितने आगे हम लोग हैं, प्लस के 5.5 घंटे, प्लस के 5.5 घंटे। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम ही तो पूछा था, आगे आ जाओ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज, ये पृथ्वी है, ये एक इक्वेटर, ये गोले लगे हुए हैं, ये गोले लगे हुए हैं, गोले लगे हुए, तो कह रहे इन गोलों को, जो इमेजिनरी गोले हैं, इनको क्या कहते हैं, पैरेलल लैटिट्यूड के अक्षांश के समानांतर है, आर्टिक है, कैंसर है, एंटार्क्टिक है, करेक्ट आंसर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट सही है, छत्तीसगढ़ मिलते हैं, कोरिया सही है, हाँ जी लगाइएगा आंसर। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज, आंसर लगाओ, इजी क्वेश्चन है भाई, वो जितने भी गोले मिलते हुए नजर आ रहे हैं ना, उनको बोलते हैं एक दूसरे के पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल में है, तो अक्षांश के समांतर, यह आपको याद रख लेना है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, विच लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज आ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, भारत की मानक रेखा कितना होगा, 82 डिग्री ऑफ ईस्ट, 81 डिग्री 30, 82 डिग्री 32 ईस्ट, 82 डिग्री नॉर्थ, आंसर लगाना, आंसर लगाओ। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले 5 सालों में पूछे गए सवाल है, तो अब तुम खुद देख सकते हो कि जीएस के ज्योग्राफी सेक्शन में कैसे सवाल आए हैं, फटाफट से लगाइएगा आंसर, कोई बच्चा इस सवाल को गलत नहीं करेगा। चलो कोशिश करते हैं कि पहले सबसे पहले आंसर कौन करता है, शुरू के 5 बच्चों को हम काउंट करेंगे जो सबसे पहले आंसर करेंगे। हर्ष कपूर सही है, ज्योत्सना एकदम सही है, बाकी लोग आंसर लगाओ। मोहित शर्मा वेरी गुड, आकांक्षा बिल्कुल करेक्ट है, रोबिन एकदम करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए। ये यूपी के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नैनी, ये वो जगह है, मिर्ज़ापुर नैनी, ये वो जगह है जो आपको याद करनी है। नेक्स्ट आ जाएगा, सुनामी किसके कारण होती है, सुनामी आ गई, किसके कारण आई है सुनामी, अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर हुआ है, रॉक अंडरग्राउंड सडनली ब्रेक हो गई है, या स्ट्रॉन्ग विंड ड्राइविंग वाटर ऑनशोर हुए, क्या होगा, सुनामी आ गई, पानी का तूफान आ गया, क्या आ गया, पानी का तूफान, आंसर देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। शुरू के 3 बच्चों का नाम लूंगा जो सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, शुरू के 3 बच्चे फटाफट से लगाओ, सुनामी इज कॉज्ड बाय, जल्दी 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 आंसर आ गया, ज्योत्सना का 1, आकांक्षा का 1, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर ए रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रोबिन, वेरी गुड, तो अंडरग्राउंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज का करेक्ट आंसर फॉर सुनामी की अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइएगा, द चैनल सेपरेट अंडेमान एंड निकोबार फ्रॉम द आइलैंड, ये कह रहे हैं अंडेमान और निकोबार को, ये अंडेमान है, ये निकोबार है, दोनों को अलग करता है, कौन सा डिग्री चैनल होगा, कौन सा डिग्री चैनल होगा, 10 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, करेक्ट आंसर। उसके बाद मुझे बताना कि मालदीव को अलग करता है किससे, मालदीव को अलग करता है, याद रख लेना फटाफट से, लक्षद्वीप से, हाँ जी लगाओ। चलो तो आंसर होगा 10 डिग्री, आंसर होगा 10 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब मुझे इन सब का ना ए आर मुझे पता नहीं चल, तुम पिछले का दे रहे हो अगले का दे रहे हो, ठीक है। मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकोए को पूरे लक्षद्वीप से अलग करता है, ये 9 डिग्री, ठीक है, आगे आ जाओ, 10 डिग्री चैनल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, वेयर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, पेरू, मेक्सिको, आंसर लगाओ। क्या एसएससी सबका आंसर ए देता है, आंसर लगाना, और ये मुझे बता देना लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है, लार्जेस्ट गल्फ कौन सा होगा, क्या लगाओ आंसर, द लार्जेस्ट गल्फ, वेयर इज द ग्रेटेस्ट बियर बैरियर रीफ लोकेटेड, कोका म्यांमार है, बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया, आकांक्षा सबसे पहले, ज्योत्सना, हर्ष, बहुत शानदार, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है ये बताओ,
लार्जेस्ट गल्फ को क्या बोलते हैं? मैक्सिको का गल्फ, मैक्सिको का गल्फ बोलते हैं। सबसे छोटा गल्फ कैलिफोर्निया गल्फ है, कैलिफोर्निया का गल्फ है, ये स्मॉलेस्ट गल्फ में से एक होता है। कैपिटल क्या है जल्दी से कमेंट करके बताना, कैनिवेरा, ठीक है कैनिवेरा, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, द नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज रिजर्वर लाइक सी एंड ओशन, इसको हम क्या कहते हैं? सवाल समझ में आ गया? ये कह रहा है कि दो बड़े बड़े पानी के रिजर्वर हैं, उनको यहाँ पर एक कनेक्ट कर रहा है एक पॉइंट। द नैरो पैसेज ऑफ वाटर, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, दो लार्ज बड़े बड़े रिजर्वर को कनेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? लैगून, इस्थमस, स्ट्रेट और बे। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर दिया अभिषेक कुमार, गजब, स्ट्रेट आंसर सीधा लगा दिया, वेरी गुड यार। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है, दो जमीन के टुकड़े, दो पानी के अलग अलग टुकड़े जो इनको कनेक्ट करेगा उनको हम स्ट्रेट कहते हैं। सबसे पहला आंसर अभिषेक, देन हाउ, देन रेल शॉर्ट्स, इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज रिजर्वोयर जैसे सी और ओशन, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, ये याद रख लेंगे। आगे आ जाओ, इन विच ओशन इज द आइलैंड कंट्री फिजी सिचुएटेड, जैसे पिछली बार एक आया था क्रोएशिया, फ्रांस के पास था क्रोएशिया, तो एक क्वेश्चन पूछा कि फिजी आइलैंड है किस ओशन में, किस महासागर में होगा? करेक्ट आंसर दीजिएगा, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक और पैसिफिक। करेक्ट आंसर, धन्यवाद जी। हाँ जी, आइलैंड कंट्री फिजी किस में? देखो इंडियन का सबसे गहरा पॉइंट कौन सा? सुंडा पॉइंट, सुंडा पॉइंट, मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच याद रख लोगे। चलो, इसके बाद सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे बड़ा शेल्फ किसके पास है? आर्टिक के पास है। सबसे गर्मा गर्म इंडियन ओशन है। करेक्ट आंसर वैसे इस क्वेश्चन का तो पैसिफिक रहेगा। सबसे पहले आंसर दिया हर्ष, अभिषेक, ओके, उसके बाद ज्योत्सना, चलो गजब। आगे देख लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सर्फेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। कह रहे एक वेव आ रही है ऐसे करती, टी 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 टी, अर्थक्वेक की एक वेव है, भूकंपी एक तरंग है, तो आपको ये बतानी है कौन मेजर करेगा उस तरंग को, कौन मेजर करेगा, फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुंडा और जावा करेक्ट है जी। देखो अगर मैं ये कहूँ कि पी, एस और एल, ये तीन तरह की वेव है जो अर्थक्वेक से निकलती है, पी, एस और एल सबसे ज़्यादा खतरनाक वेव कौन सी है? सिस्मोग्राफ। सबसे पहले आंसर किसका आया है? अभिषेक कुमार, हर्ष, आकांक्षा, गजब। अब मुझे बताना भाई पी, एस, एल तीनों में सबसे खतरनाक वेव कौन सी होगी? तो तीनों में सबसे खतरनाक वेव होगी एल, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव सबसे ज़्यादा क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव मतलब जब ज़मीन पर आती है तो ये वेव आती है तो सबसे खतरनाक भी ये है। इधर देखिएगा, बैरोग्राफ का मतलब क्या है? एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेंगे। सिस्मोग्राफ का मतलब क्या है? अर्थक्वेक से रिलेट कर लेंगे। मैनोमीटर का मतलब क्या है? प्रेशर मेजर कर लेंगे। क्रोनोमीटर का मतलब क्या है? ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड कर लेंगे हम टाइम को, याद रख लेंगे। आगे आ जाओ, व्हाट इज पाक स्ट्रेट? लल्लू सवाल, मुझे इतना बताना, एक पैरेलल लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है, वो कौन सी पैरेलल लाइन है? ठीक है, पाक स्ट्रेट हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड चाइना। करेक्ट आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबका गजब आंसर आ रहा है। आंसर दीजिएगा सर, पाक स्ट्रेट, आंसर आया सी। सबसे पहले आंसर आया किसका? हर्ष कपूर का, एकदम करेक्ट है जी। उसके बाद मोहित शर्मा करेक्ट, रेल शॉर्ट्स एकदम करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को, श्रीलंका का पुराना नाम है सिलियोन, ये भी हम याद कर लेंगे। इसकी सबसे लंबी नदी है महावेली रिवर, सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट पेड्रो, याद रख लेंगे पेड्रो। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाले मतलब 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन, ये आपको याद करनी है, 24 पैरेलल लाइन। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द नेम ऑफ मेगा ओशन डेट सराउंडेड द सिंगल कॉन्टिनेंटल मास बिफोर द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट इज डिस्क्राइब बाय द एल्फर्ड वैगन। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ा ओशन कौन सा रहा है, जब तक कोई भी इसमें क्रैक नहीं आया, इकलौता एक दिख रहा है, कौन सा होगा? मेगा ओशन है, सिंगल मास का एरिया बीच में पड़ा हुआ है और आसपास कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रही है, ये एल्फर्ड वैगनर ने बताया था। तो जो मेन सबसे बड़ा ओशन है वो कौन सा होगा, कौन सा होगा? पनामा, पेंथालासा,
पिग्मेलियन और पेंजिया, लगाओ जी आंसर। जोसना कह रहे बी लगा दो। सर क्रीक लाइन भी बोलते हैं, सर क्रीक लाइन बोलते हैं लेकिन 24 पैरेलल लाइन अलग है। सर क्रीक जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया है ग्रीन और रेड कलर की लाइन का, ठीक है, उसी के पास से लेटिट्यूड गुजरता है, वो 24 पैरेलल का होता है, इसीलिए उसको 24 पैरेलल लाइन बोल रहा हूँ मैं। पेंथालासा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर किसने दिया इसका? इसका आंसर दिया है हर्ष कपूर, देन ज्योत्सना और देन आकांक्षा। गजब यार। हाँ, पेंजिया जो है वो लैंड होता है, पेंजिया जो होता है वो लैंड होता है, पेंथालासा जो होता है वो ओशन होता है, ये ओशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, टू विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डू इंडिया चाइना जापान बिलोंग। ये कह रहे हैं कि भाई किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा इंडिया चाइना जापान है, ये कोई सवाल हुए लल्लू से भी लल्लू सवाल। हाँ जी, किसका हिस्सा हम लोग? हम लोग एशिया का हिस्सा। सर एक होता है गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड, एक होता है लोरेशिया लैंड, लोरेशिया या अंगारा लैंड। इसके अंदर उत्तर के सारे, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, एशिया, ये सारे ये कवर करता है। गोंडवाना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का कुछ पोर्शन ये कवर करता है, ये थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ टाइड। जब ज्वार आते हैं ना तो उसका मेन कारण क्या होता है, ज्वारों का मेन कारण क्या होगा, आंसर देना भाई। पृथ्वी लगातार घूम रही है, जब घूमती है तो यहाँ पे एक लो लगता है, उसको बोलते हैं हम कॉरल्स इफेक्ट या फेरल लो, या बोलते हैं फेरल लो। अब सवाल ये है कि टाइड, ज्वार जो उठती है, क्या रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण है, या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और मून है, सोलर फ्लेयर है, या क्लोज ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट है। करेक्ट आंसर मैं क्या लगाऊं? हाँ जी, फटाफट करेक्ट आंसर रहेगा ग्रेविटेशनल पुल। बहुत बढ़िया, एक हाउ का बी, तन्वी बी, बहुत बढ़िया, दो तीन बच्चे अच्छे, उसके बाद आकांक्षा, वेरी गुड यार। करेक्ट आंसर हम लोगों को क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है, याद रख लेंगे टाइड्स के लिए, ठीक। अगर मैं कहता हूँ ये एरोरा जो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, ये कहाँ पे दिखाई देते हैं? ये हमें दिखाई देते हैं मीजोस्फेयर के अंदर, मीजोस्फेयर के अंदर, ठीक है जी। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल। बाउंड्री अकर बिटवीन द प्लेट कोलाइड्स, एक प्लेट है एंड द अदर प्लेट पुश अंडर, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराकर पुश कर रही है, इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट है, ट्रांसफॉर्म है, कॉन्टिनेंटल है, डाइवर्जेंट है। करेक्ट आंसर दीजिएगा। अच्छा सवाल लगाओ जी, ठीक है, एक दूसरे को पुश कर रही है दो प्लेटें टकराकर, अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे में घिस रही हैं तो ट्रांसफॉर्म हो रही है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कन्वर्जेंट रहेगा। डाइवर्जेंट में जब होता है सर, दो प्लेट एक दूसरे दूर जाने लगती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, यहाँ देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री जब प्लेट कोलाइड करेगी और दूसरे प्लेट को पुश करेगी, ठीक। ट्रांसफॉर्म के अंदर जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रगड़ खाएगी। तीसरा डाइवर्ज का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी, वो डाइवर्जन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हर्ष कपूर ने सही दिया है, रोबिन भाई ने सही दिया और ज्योत्सना ने सही दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना। अब तुम्हें जस्ट दो मिनट पहले बताया था गोंडवाना का हिस्सा नहीं होगा, कौन नहीं होगा? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका। करेक्ट आंसर लगाओ। हाँ जी लगाओ फटाफट से आंसर, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ताबड़ थोड़ा आने दो आंसर। चलो ठीक है जी, करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होगा भाई? नॉर्थ अमेरिका नहीं रहेगा, मैंने कहा था ऊपर वाले हिस्सा नहीं होगा, नीचे वाले हिस्सा बन सकता है, ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। चलो, नॉर्थ अमेरिका वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अरेबिया, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये निचले जितने भी पार्ट होंगे ये गोंडवाना के पार्ट होंगे। नेक्स्ट आएगा, नेम द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव द लैंड बाउंड्री। भाई आपको बताना है कि दुनिया का इकलौता सागर ऐसा है जिसको कोई भी लैंड टच नहीं करता, कौन सा सागर है? सरगासो है, पिचोरा है, अम्बुदसन है और ओरिसी सागर है। करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं? पावड़ तोड़ आंसर लगाओ, और ये इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी बार पूछा भी गया, आंसर लगाओ। करेक्ट आंसर सरगासो, पिचोरा, एमडजन और आयरोसी। देखें जी करेक्ट आंसर कौन लगा रहा है? हर्ष कपूर का पहला आंसर आ चुका है, सेकंड इंतज़ार हैं, क्वेश्चन मार्क सही, रेल शॉर्ट्स कह रहे ए, तो तीन बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, सरगासो सागर करें। अच्छा सरगासो सागर है किस महाद्वीप के पास? नॉर्थ अमेरिका के पास। किसके पास है? नॉर्थ अमेरिका के पास, याद कर लोगे।
किसके अंदर है? अटलांटिक महासागर के अंदर, अटलांटिक महासागर के अंदर, ठीक है जी। एस शेप का कौन होता है? एस शेप का महासागर, एस शेप का ओशन भी हमारा कौन होता है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट आ जाएगा, इन विच प्रोवेंस ऑफ चाइना हुएंग हुशू नेशनल पार्क लोकेटेड विद विच हाउस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल क्लस्टर। आपसे पूछा गया नेशनल पार्क का नाम और पूछा गया चाइना के किस प्रोवेंस के अंदर है, ठीक है। सरगासू सागर हॉट और कोल्ड से मिलकर बनता है? यार ज़्यादा कोल्ड तो नहीं होता, ज़्यादा हॉट होता है। कैसे? क्योंकि वहाँ से गल्फ स्ट्रीम होकर निकलती है, ठीक है। लगाइए इसका आंसर, हुएंग हुशू नेशनल पार्क, जेंगू, हैंगडोन, गुइजहाओ, हुनन। करेक्ट आंसर मैं क्या लगाऊं? करेक्ट आंसर सी रहेगा। ये जब आया था तो बच्चे नहीं कर पाए थे, और बाद में भी आएगा तो शायद नहीं कर पाएंगे। करेक्ट आंसर सी रहने वाला है। रॉबिन का आंसर एकदम सही है, बाकी लोग गलती कर गए। एक हमने पढ़ा हुआ है येलोस्टोन नेशनल पार्क, किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क में से एक है। कहाँ पर है ये? यहाँ पर गर्म फुहारे मिलते हैं, फुहारे। ज्योत्सना का सही है, रॉबिन का सही है। हाँ जी, येलोस्टोन नेशनल पार्क अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो नॉर्थ अमेरिका लगा देना, न्यूयॉर्क के पास है, गर्मा गर्म फुहारे निकलते हैं यहाँ से। आगे आ जाओ, विच कंट्री हैज वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर इनमें से किसके पास? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। और हम लोग जानते हैं 14 कंट्री के साथ चाइना नंबर वन पे है। चाइना का सबसे ज़्यादा पड़ोसी एरिया वाइज कौन कवर कर रहा है? मंगोलिया। मंगोलिया कैसा है? एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी किसी भी सागर से नहीं टच करता। ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक कंट्री है जो लैंड लॉक है, उसका नाम है लायोस। क्या है? लायोस। ये क्वेश्चन याद रख लेना, लायोस होगा। नेक्स्ट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द लेक मानसरोवर। मानसरोवर लेक से निकलने वाली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। देखो यार, वैसे तो अगर मैं मानसरोवर से निकलने वाली तो मैं इंडस और सतलज दोनों को देख लूँगा, इंडस सतलज दोनों को देख लूँगा, लेकिन उसने कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, तो आंसर क्या रहेगा? इंडस रहेगा। इसी इंडस, जैसे मान लो ये पाकिस्तान है, ये मान लो पाकिस्तान है, सपोज करके चलते हैं, यहाँ से इंडस निकल रही है, तो जब इंडस यहाँ से निकलती है तो बहुत सारी नहर बना रखी, नहरें, तो इसीलिए पाकिस्तान को क्या बोला जाता है? कंट्री ऑफ कैनाल, कंट्री ऑफ कैनाल, ऐसा देश जहाँ पे नहरें ज़्यादा हैं, कैनाल सिस्टम ज़्यादा है, तो ये कैनाल वाला पॉइंट आप याद कर सकते हो। बहुत बढ़िया जी, मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं बताने में लग गया था। अगला आ जाओ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना सर, अगर मैं ये लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? ऑप्शन दूँ तुम्हें? ऑप्शन है चेनाब, ऑप्शन है सतलज। आंसर क्या लगा के आऊँगा? चेनाब और सतलज में से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी लगाऊँ? सतलज निकलती है राकस लेक से, 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, क्या बात है भाई। चेनाब और सतलज आंसर देना। इंडस निकलती है कहाँ से? बोकर शाह ग्लेशियर, बोकर शाह ग्लेशियर। और सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज निकलती है राकस लेक। चेनाब होगा भाई, अगर कोई बच्चा गलती सतलज लिख रहा है प्लीज़ रिमेंबर चेनाब होगा, चेनाब होगा, ठीक है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है आर इंडिया नेबरिंग कंट्री, हमारा पड़ोसी देश है, इनमें कौन कौन? सिंगापुर नहीं है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, नेपाल, इंडोनेशिया नहीं है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पाकिस्तान रहेगा, श्रीलंका रहेगा, नेपाल रहेगा, बांग्लादेश रहेगा। अब मुझे जल्दी से बताओ, बांग्लादेश जो है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बांग्लादेश शेयर बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट, बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स? चलो भाई ऑप्शन में दिए गए 3, 4, 5, 6, आंसर लगाना। सबसे पहले आंसर आया है बी ज्योत्सना का, उसके बाद आंसर आया है हमारे पास अभ्यामीत, देन हर्ष कपूर, ठीक है। चलो आंसर लगाओ, बांग्लादेश शेयर बॉर्डर कितने के साथ, कितने स्टेट हैं? 3, 4, 5, 6, करेक्ट आंसर क्या लगाऊँ? 5 हैं, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 5 रहेगा। त्रिपुरा को 3 साइड से टच किया हुआ है, त्रिपुरा को 3 साइड से, 3 साइड से टच किया हुआ है। अगला सवाल देखें, मूसी और भीमा ट्रिब्यूटरी हैं किस नदी की? मूसी और भीमा ट्रिब्यूटरी है किस नदी की? महानदी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा तो नहीं होगा, ब्रह्मपुत्रा को हम लोग बोलते हैं शेंगपो या यरलोंग शेंगपो, जो आपका मन करे। वैसे शेंगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर। ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से। अच्छा एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भाई ओरिजिन क्या है? अंगसी ग्लेशियर, अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। चलो जी छोड़ो इसको, तो अब ये बताओ मूसी और भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बहुत बढ़िया रूबिन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी
कृष्णा कृष्णा सबसे पहले आंसर दिया ज्योत्सना, देन रेल शॉर्ट्स, देन क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, भीम मूसी और भीमा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन लिखा हो और बहुत सारी लिखी हुई हैं तो हम याद कर सकते हैं, मूसी है, भीमा है, कोयना है, वरना है, तुंगभद्रा है, भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, वरना हो गई, घाट प्रभा है, माल प्रभा है। ठीक है, ये सारा आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा, बगलीहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, बगलीहार, दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, ये तीनों डैम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आकांक्षा चीमा युंगडुंग ना चेंज हो गया, डाटा बदल दिया इसलिए गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। चलो, बगलीहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, किस नदी पर बगलीहार डैम है? देखो, सलाल हो गया, बगलीहार हो गया, बगलीहार हो गया और दुलहस्ती हो गया। दुलहस्ती, ये तीनों ना एक ही नदी के ऊपर है। नदी का नाम सबसे पहले आंसर दिया हर्ष कपूर, देन रेल शॉर्ट्स, गजब, ज्योत्सना, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर रहेगा चेनाब, चेनाब याद रख लेना। ठीक है, इतना याद रखोगे चेनाब करेक्ट आंसर रहेगा। इधर आ जाओ, बगलीहार डैम ऑन चेनाब रिवर इज़ा, मतलब हमें नहीं पता, प्रोजेक्ट जो है 1992 में शुरू हुआ, अप्रूवल 1996 के अंदर, कंस्ट्रक्शन बिगे 1999 के अंदर, क्या मतलब है इसका। चलो, अलामती डैम प्रोजेक्ट है कृष्णा नदी के ऊपर, ये कुछ राज्यों के बीच का एक विवाद है, किन राज्यों के बीच का, आंसर दीजिएगा। अलामती, बहुत बढ़िया, जा जम्मू एंड कश्मीर एकदम करेक्ट है, फटाफट से लगाओ, ताबड़तोड़। कर्नाटक आंध्रा, कर्नाटक गोवा, आंध्रा तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, लगाओ अलामती डैम, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, अलामती डैम किसके ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, एक क्वेश्चन तो यही खत्म। कर्नाटक आंध्रा ए आंसर आया, सबसे पहले दी है ज्योत्सना, देन आकांक्षा, देन रेल शॉर्ट्स, करेक्ट आंसर रहेगा कर्नाटक आंध्रा। अच्छा, याद कर लें, थोड़ा महाराष्ट्र भी बीच में पंगे लेता ही रहता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए रहेगा। अलामती डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर ऑन कर्नाटक, इट इज़ एन इशू बिटवीन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, आगे आ जाओ, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड, ऐसी मुझे बता दो, पंचशील प्रोजेक्ट, पंचशील एक प्रोजेक्ट साइन किया था इंडिया और चाइना ने कब, आंसर लगाएगा इंडिया और चाइना ने कब किया था। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान का साइन कब हुआ था, 1960। अब मुझे पंचशील के बारे में बताओ, पंचशील के बारे में बता दो, पंचशील के बारे में बताओ जल्दी से, करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं। ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, 1954। आगे आ जाते हैं, द रिवर गंगा इमर्जीज आउट गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंडेड, ये कह रहे गंगा रिवर जो है गंगोत्री, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, उत्तर गोमुख, इनसे निकलती है भागीरथी के रूप में, उसके बाद अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग, यमुना से मिलती है, त्रिवेणी संगम, फिर हुगली वहाँ से निकल जाती है और आखिरी में एंड करती है अपने आपको, कहाँ एंड करती है कहाँ एंड करती है, अब अभिमित सही है, हर्ष कपूर सही है, ज्योत्सना एकदम सही है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बे ऑफ बंगाल रहेगा। बे ऑफ बंगाल के ऊपर राज करने वाला कौन सा एम्पायर था, चोला एम्पायर, चोला ने, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने चोला लेक बोल दिया, चोला लेक बोला था, क्या बोला था, चोला लेक बोला था, याद रख लोगे, बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बोलने वाले ये हैं। इसके ऊपर राज करने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम था राजेंद्र चोला, क्या नाम था, राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला ने किसको डिफीट किया था, डिफीटेड द पाला रूलर, पाला रूलर, और अपने आपको टाइटल क्या दिया था, गंगाए कोंडा चोलापुरम, कोंडा चोलापुरम, याद रख लेना। आगे आ जाओ, इन विच स्टेट इज सांबर द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक हैज बीन सिचुएटेड, बहुत लल्लू से भी लल्लू सवाल पूछा गया है, सांबर लेक कहाँ पर है, आप मुझे बता देना, थोर लेक, थोर लेक, थोल 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 लेक कहाँ पर है, सांबर लेक राजस्थान है, फ्री का नंबर है, उसके बाद पूछा थोल लेक कहाँ पर है, थोल ले थोल ले, हाँ जी बताइएगा, राजस्थान एकदम करेक्ट है। राजस्थान की एक ट्राइब है बहुत फेमस है, कौन सी ट्राइब है, भील ट्राइब। राजस्थान का डांस फेमस है, कालबेलिया, कालबेलिया, ठीक है। गुज्जू, गुज्जू एकदम करेक्ट है, गुज्जू एकदम करेक्ट है, गुज्जू हमें याद है। नेक्स्ट आ जाएगा, इंदिरा सागर डैम विच इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इंदिरा सागर डैम आपको बताना है सर, फटाफट से आंसर दाग दो, इंदिरा सागर, ये बता देना, इंदिरा सागर डैम किस नदी के ऊपर है, रिवर बता देना,
ठीक है, यूपी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर दाग दो, किसके अंदर होगा, यूपी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर डैम नदी भी बता दो, बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्वेश्चन जो कालबिलिया वाला बताया ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे रानी की वाव कब, 2014, ऐसी कालबेलिया याद कर लो, गजब गजब गजब। डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है, नदी का नाम नर्मदा होगा, नदी का नाम। इस नदी के ऊपर एक और डैम है, बारगी डैम, बारगी एक और डैम है, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर या याद करना, एक और याद कर लो, बारगी, ओमकारेश्वर और सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, ठीक है मध्य प्रदेश याद कर लेना। नेक्स्ट आएगा, ऑन विच रिवर इज पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट इज बींग बिल्ड, पोलावरम आंसर लगाओ, ये बता देना पोलावरम किस नदी के ऊपर है। अच्छा नदी ही पूछा है क्या, चलो आंसर लगाओ, दागो आंसर। धुआंधर, धुआंधर नियर जबलपुर, वेरी गुड यार, आंसर लगाओ जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। स्टेट बता देना मुझे, टेल मी द स्टेट, कौन सा स्टेट होगा, रिवर तो पूछा ही हुआ है, लगाओ जी आंसर। कावेरी, बहुत बढ़िया, गोदावरी लगा दूं, क्या कहते हो, गोदावरी लगा दूं, चलो डी डी डी, हर्ष कपूर वेरी गुड, एक बच्चे का सही है, बाकी तो लाइन पे लग गए हैं, और स्टेट होगी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज क्रिएटेड बाय सारावस्ती, द हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया, मुझे स्टेट भी बता देना, स्टेट किस राज्य के अंदर है, झरना तो तुम बता ही दोगे, ठीक है। जीवन साथी की बहुत ऐड आ रही है, ये तुम्हारे लिए होगी ना, मेरे तो हो गई शादी, कि तुम फटाफट से जॉब लो, फिर ये ऐड का फायदा उठाओ, हैं, आंसर लगाओ। देखो जोक एकदम करेक्ट है, मुझे वो बता दो यार एरिया कौन सा पड़ेगा, कर्नाटक, वेरी गुड यार, स्टेट कौन सा पड़ेगा, कर्नाटक, इसी को हम जैरोसोपा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैरोसोपा, जैरोसोपा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी फॉल, महात्मा गांधी फॉल याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया का इसको बोला जाता है, आप मुझे स्टेट बताना किस स्टेट के अंदर है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है, आप मुझे स्टेट बता देना। नमधापा है, सिंपलीपाल है, इरवाकुलम है और केबुल लमजाओ है, आप स्टेट बता दो, और सेशन को लाइक करते रहना, ठीक है। ये आज ऐड क्यों आ रही है बीच में, पता नहीं यार, कुछ बटन वटन दब गया होगा लगता है मुझसे, कुछ ऐड वैड वाला, वैसे जनरली ऐड वाला मैंने लगा रखा है, लेकिन इन बिटवीन नहीं लगा रखा था, पता नहीं कैसे। केबुल लमजाओ एक याद कर लेना, स्टेट की अगर बात करें तो मणिपुर होगा, स्टेट की अगर बात करें तो मणिपुर होगा। अच्छा मन में ना बहम मत रखना, इन ऐड से कोई पैसा वैसा नहीं आता है, ये भी ध्यान रख लेना, ये पता नहीं क्यों आ रही, मैं तो चाह रहा हूँ हटा दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रावी नदी, रावी नदी का वैदिक नेम क्या है, काली नदी है, पुरुषनी है, सतुधरी, अस्किनी है, ये है चेनाब, ये है सतलज, ये आंसर आ गया, ठीक है ये आंसर आ गया। मुझे तुंग भद्रा का पुराना नाम बताओ, तुंग भद्रा का एंशियंट नेम बताना, इस नदी का क्या नाम है, एंशियंट नेम, आंसर लगाओ, ठीक। किसी किसी में आ रही है क्या, लोगों को ढूंढ ढूंढ के ऐड दे रहे हैं वो, कि किसको पकड़ूं मैं ऐड के लिए, हाँ जी लगाओ आंसर। मेरे फोन में आ चुके और चारों बार जीवन साथी, ज्योत्सना वो चाह रहा है तुम फटाफट से नौकरी लो और शादी वादी करो, इसलिए वो ऐड दे रहा है, बहुत बढ़िया ज्योत्सना, वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पेम्बर, अब तुम्हारी तैयारी ठीक चल रही है ना, इसलिए वो कह रहा है, तैयारी तो अब हो गई, देखो रोबिन का भी आंसर आ रहा है, तो जो जो तैयारी अच्छी कर बैठे हैं उनको ऐड दे रहा है, कि ऐड देख लो, बस हर्ष कपूर को नहीं आ रही है, वो कह रहे बेटा तू इंतज़ार कर अभी थोड़ा और, है ना, या हर्ष कपूर का मामला जो है खुद से डिसाइडेड होगा, जीवन साथी में जाने की जरूरत होगी नहीं, पहले कोई पसंद कर रखी होगी तो इसको ऐड नहीं दे रहे होंगे, ऐसा ही चल रहा है मुझे लग रहा है। नेक्स्ट आओ, हीराकुंड डैम इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर, किस नदी के ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ, दामोदर, तुंगभद्रा, महानदी, कोयना, करेक्ट आंसर क्या लगाऊं,
आंसर लगाओ। हीराकुंड डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर? सर महानदी। स्टेट भी बता दो, स्टेट बताओगे जल्दी से? ठीक है, लगभग लगभग 25 किलोमीटर का ट्रैक, स्टेट उड़ीसा, सिंपलीपाल, भीतरकनिका, दो नेशनल पार्क यहीं पर है। अभी सर फुल फोकस कीजिए। अच्छा नहीं नहीं सही है, वो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है आगे आ जाओ। नेक्स्ट है सलाल, देखो सलाल दुलस्ती बगलियार, जस्ट अभी पढ़ा था, करेक्ट आंसर लगाओ। सलाल दुलस्ती बगलियार करेक्ट आंसर। अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में यार, सब लोग ये क्यों कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, हमें बहुत कुछ करना है। शादी के बाद क्या तलवारें चल रही हैं कि तुम चल नहीं पाओगे, घर से निकलते तलवार मार दूंगी, अंदर चला जा, ऐसा है क्या? या पति कह रहा है ऐसा, अंदर चला जा, कोई काम नहीं करना, तलवार है मेरे, ऐसा है क्या? करेक्ट आंसर कह रहेगा चेनाब रहेगा। मैं कह ऐसा तो नहीं होता कि शादी के बाद आदमी क्या नहीं, मैं कुछ तुम बाहर आओगे नहीं, जियो ने कुछ कर पाओगे नहीं, शादी हो गई ना हमने अपनी, कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना, या है ऐसा? सलाल डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, चेनाब रिवर के ऊपर है, जम्मू कश्मीर के अंदर रेसाई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। अच्छा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सर आप लगो फटाफट से। अच्छा फ्रीडम छिन जाती है, मैं भी सोच रहा था संडे को घूम के आने की, पर बीवी ने मना कर दिया तो जा नहीं पाया। शायद उसी को ही बंदिश कहते हैं, वही है क्या? मैं तो उसको नाम बदल के अब आदेश देता हूँ, आदेश, बंदिश क्या आदेश है वो? विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, रिवर इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जल्दी से बताओ। तो ये हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चेनाब रहेगा। ब्यास जो है ब्यास कुंड से निकलती है, सतलज जो है राकस लेक से, ठीक है, चंद्रभागा, झेलम, शेषना, ठीक है। सांस के मना करने में छोरी बाहर नहीं जाएगी, हमारी छोरी छोरों से कम है कि वो वाला डायलॉग करे एकदम जोचना मार देगी, ठीक है, ये नहीं नहीं रुकने वाली है। नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम फटाफट से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नागार्जुन सागर डैम किस नदी के ऊपर है, किस राज्य के अंदर है? सवाल क्या पूछा गया है? नागार्जुन सागर ने सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, रिवर तुम बता दो और साथ में स्टेट बता देना, साथ में स्टेट बता देना, करेक्ट आंसर लगाओ फटाफट से। नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, कृष्णा लगाऊं? अगर मेरे से स्टेट पूछा जाता है तो एक तो आंध्र प्रदेश लगा दूंगा, लेकिन बॉर्डर पर पड़ते हैं तो तेलंगाना भी हो सकता आंसर इसका। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दोनों करेक्ट हैं, गलत नहीं। आगे आ जाओ। सुसु डॉल्फिन इज फाउंड इन द वाटर ऑफ विच रिवर? देखो यार डॉल्फिन वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो गंगा पकड़ लेना, जब भी क्वेश्चन आता है गंगा पकड़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। त्रिंबकेश्वर इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? त्रिंबकेश्वर रिवर जो, देखो त्रिंबक, त्रिंबकेश्वर से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? त्रिंबक, त्रिंबकेश्वर निकलने वाली नदी का नाम क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। महाबलेश्वर नासिक वाला एक हमने याद कर रखा है, त्रिंबकेश्वर वाला हमने याद किया हुआ है, माहू डिस्ट्रिक्ट याद किया हुआ है, अमरावती याद किया हुआ है, ठीक है, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या? गोदावरी रहेगा। त्रिंबक, त्रिंबकेश्वर याद रख लेना, बहुत सही जा रहे हो सर, बहुत सही जा रहे हो। नेक्स्ट आ जाइएगा। सोन रिवर विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साउदर्न डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गंगा ओरिजिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखो सोन रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, अमरकंटक यहाँ से निकलती है। अब आप बस इतना बता दो, अमरकंटक से निकलने वाली यह नदी इनमें से किस राज्य से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, किस राज्य से निकलती है, ये बताना हम लोगों को, है ना? इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से लगाओ आंसर। करेक्ट आंसर रहेगा अमरकंटक सतपुरा रेंज के अंदर पड़ता है, सतपुरा रेंज के अंदर आता है, ये भी हम लोग जानते हैं। और किसकी सबसे ऊंची चोटी है? हाँ जी अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मैकाल रेंज की, मैकाल याद कर लोगे, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर, कोई गलती का चांस नहीं, ठीक है, बहुत शानदार। आगे आ जाओ। हुंडरू झरना इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तुम मुझे स्टेट बता देना। हुंडरू झरना जो है किस नदी और किस राज्य में पड़ता है?
किस नदी किस राज्य में? अमरकंटक से नर्मदा और सोन दोनों नदियाँ निकलती है। रोबिन सही है। हाँ जी जल्दी से बताओ सर, हुंडरू झरना जो है स्वर्ण रेखा जो एंड कहाँ होती है? एंड होती है उड़ीसा में जाके, उड़ीसा में जाती है ये एंड होने के लिए। और स्टेट जो है वो झारखंड है, रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड, याद कर लोगे। बहुत बढ़िया जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपेन हजारिका आल्सो कॉल्ड एज धोला सदिया ब्रिज विच कनेक्ट असम एंड, ये क्वेश्चन आया था, धोला से सदिया को जोड़ने वाले ब्रिज का नाम क्या है? भूपेन हजारिका। तो किसको जोड़ता है? असम को सिक्किम मेघालय वेस्ट बंगाल अरुणाचल। आंसर क्या रहेगा? सिक्किम मेघालय वेस्ट बंगाल अरुणाचल, करेक्ट आंसर दागो। बढ़िया सवाल। हाँ जी अरुणाचल को जोड़ेगा। अरुणाचल में नमचा बरवा एक जगह है, नमचा बरवा एक दर्रा है, इस दर्रे से कौन सी नदी आती है, एंटर करती है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा ये नदी एंटर करती है, ये नदी एंटर करती है, ये आप याद कर लेना। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया नमचा बरवा से एंटर करती है। नेक्स्ट आ जाएगा, अ डैश इज अ डीप वैली विद अ स्टीप टू स्ट्रेट साइड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू विद एंड टॉप एंड बॉटम, इसको हम क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं देखो एक एरिया है, मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, ऐसा एक एरिया, इसको क्या कहते हैं? दो साइडों से बड़े बड़े पहाड़ से खड़े हैं, बीच में एक एरिया बनाओ, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट कैनियन जॉर्ज रिलीफ, करेक्ट आंसर बताओ। अच्छा सवाल है, ठीक है। अ डीप वैली है, स्टीप दोनों साइड से हैं, इक्वल इक्वल विड्थ के हैं, टॉप भी बराबर है, बॉटम भी बराबर है, आपसे पूछा क्या बोला जाता है उसे? आंसर लगाओ उसका क्या, उसको बोला जाए जॉर्जेस। जब इसी देखो ग्रेट कैनियन हमने सुना है, लेकिन वहाँ पे बराबर बराबर का नहीं होता, ऊंचा नीचा रहता है, ठीक है, ऊंचा नीचा रहता है। बहुत बढ़िया, पूरी क्लास का एक ही आंसर है, लेकिन ये ग्रेट कैनियन का एग्जांपल भी नहीं है, उसमें एक तो विड्थ बराबर नहीं है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, तरेट टाइप होता है वो, तो उसको हम कैनियन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जॉर्जेस कहते हैं। जॉर्जेस एक डीप वैली होता है, स्ट्रेट साइड ऑलमोस्ट इक्वल टॉप एंड बॉटम, इसको जॉर्जेस कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, द टाइडल माउथ ऑफ अ रिवर वेयर फ्रेश एंड सैलाइन वाटर मिक्स्ड इज नोन एज, कह रहे एक मुखाना है, मुख है जहाँ पे मीठा और खारा पानी आके मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जॉर्ज, आर्किपेलिगो, फोल्ड या एस्चुरी, करेक्ट आंसर मैं क्या लगाऊं? क्या लगाऊं आंसर, याद रख लो फटाफट से बताओ। देखो जनरली हम लोग पढ़ते हैं जब कोई पानी समुंदर में जाके मिलता है, और जनरली नदियों का पानी मीठा होता है, समुद्र जाके मिलता है, कोई सेडिमेंट नहीं होता इसके पास, बस पानी जाके मिलता है, तो जब मीठा पानी खारे पानी से मुलाकात करेगा तो उसको हम एस्चुरी कहते हैं। ये दूसरा तरीका वर्ड को कहने का, ये दूसरा तरीका वर्ड को कहने का। जनरली हम एस्चुरी क्या कहते हैं कि नदियों का समुद्र के अंदर मिलन बिना अपने अवशेषित पदार्थों के साथ, यानी सेडिमेंट के साथ, तो वो एस्चुरी होता है। अब मैं सीधा ये पूछ रहा हूँ, ऐसा एरिया बताओ जहाँ पर मीठा खारा पानी एक दूसरे से मिलन हो रहा है, और उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? एस्चुरी कहेंगे। डेल्टा क्या होता है? सारा कुछ फेंक देगा अंदर, वो डेल्टा हो गया। क्वेश्चन है, निजाम सागर डैम सिचुएटेड, अभी जस्ट हमने पढ़ा था निजाम सागर किस नदी के ऊपर है, तो हमने बता दिया, स्टेट मेडिकल स्टेट भी बता दिया था ना, चलो दोबारा बता दो कोई बात नहीं। निजाम सागर तेलंगाना, लगा दे सर, किस नदी के ऊपर है? मंजरा के ऊपर, मंजरा याद रख लोगे, मंजरा रिवर। मंजरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। तो मंजरा गोदावरी की है, दुधवा गोदावरी की है, इंद्रावती गोदावरी की है, प्राणहिता गोदावरी की है, याद कर लो। ओनली सेडिमेंट, ओनली सेडिमेंट नहीं कहूँगा, सेडिमेंट प्लस वाटर वो डेल्टा बना रही है। इन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? शेंगपो कहा जाता है, ख़त्म हो गया। जब लोहित नदी असम में जाती है और ब्रह्मपुत्रा से मुलाकात करती है, ब्रह्मपुत्रा से मुलाकात करती है, इससे पहले ना इसको पता क्या बोलते थे? इसको बोलते सिहांग, लेकिन जब लोहित नदी मिलती है ना तो उसको ब्रह्मपुत्र जानते हैं। असम में एक तैरता हुआ द्वीप जिसको मजुली आइलैंड बोलते हैं, मजुली आइलैंड पहला आइलैंड जिसको जिले का दर्जा दिया गया, ये जिले का दर्जा दिया गया इसी आइलैंड को। ये कैसा आइलैंड है? तैरता हुआ आइलैंड है, फ्लोटिंग है, इसी को रिवराइन भी बोलते हैं, रिवराइन। आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल द डायरेक्शन द ड्रेनेज पैटर्न इज कॉल्ड, ये कह रहे एक हिल से निकलेगी और सभी डायरेक्शन में फैल जाएगी, सभी डायरेक्शन फैल जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल है, ट्रिल्स है, डेंट्रिक है और रेडियल है, करेक्ट आंसर क्या लगाऊं? अगेन बहुत अच्छा सवाल। हाँ जी क्या लगाऊं आंसर? अच्छा वो अंडरस्टूड, गलती होगी भाई, रोबिन गलती होगी भाई, मैंने
लार्जेस्ट रिवर है ना, एकदम लार्जेस्ट, रेडियल होगा। जब एक एरिया से आसपास फैलने के रेडियल है। डेंट्रिस क्या होता है, ये इस तरह की जैसे पेड़ का तनाव। ट्रिल्स क्या हो गया, ये ट्रिल्स है, 90 डिग्री पर काट रही है। सेंट्रीपिटल यहाँ आगे गिर रही है, एक जगह आगे गिरे, एक जगह गिरे, सेंट्रीपिटल। करेक्ट आंसर रेडियल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पढ़ लेना, डेंट्रिस क्या है, लुक लाइक ब्रांचेज ऑफ ट्री, ट्रिल्स 90 डिग्री पर काटेंगी, उसके बाद सेंट्रीपिटल हमने पढ़ ली, ओल्ड डायरेक्शन भागेंगी, बस वही सब चीज़ जो हम बता रहे हैं। विच इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, जोहोड़ लिखा, हम तो जोड़ बोलते हैं, थारे जोड़ में कितना पानी हमका थोड़ा ही रह रहा है, तो जोड़ वही वाला एरिया जो सूखे वाला एरिया, छोटा छोटा पानी वाला एरिया है। कुंड क्या होता है, पानी इकट्ठा करते हैं। टंका, टंकी की तरह याद रख लो। हरियाली क्या होता है, जहाँ पे वेजिटेशन अच्छी खासी हो, ये पानी का स्टोरेज काम नहीं करता, नेचुरल हार्वेस्टिंग होता है ये। करेक्ट आंसर डी रहेगा, ठीक है, याद रख लोगे। जो हरियाणा वाले या यूपी वाले लोग हैं वो तो जोड़ एकदम देखते समझ जाएंगे। जोड़ में हम अपनी भैंसों को लेना लेके जाते हैं, जिनके पास गाय भैंस होंगी वो ऐसे ही बोलते हैं घर में कि जा ले जा भैंसा ने जोड़ मन वाला, तो ये वाला पार्ट होता है जो नहलाने वाला प्रोसेस ना, वो यहाँ से है। नेक्स्ट आ जाएगा, अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट एंड भागीरथी जो है करक ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर पूछा गया, तो भागीरथी का कौन सा ग्लेशियर है, गोमुख उत्तरकाशी, यही ये वाला ही ग्लेशियर हो गया, या गंगोत्री ग्लेशियर याद रख लो। अब ये पूछ रहा है अलकनंदा का ग्लेशियर कौन सा, जेमू, गंगोत्री, सदोपंत, पिंडारी। करेक्ट आंसर लगाओ फटाफट से, जेमू, गंगोत्री, सदोपंत, पिंडारी। हाँ, भैंसों का स्विमिंग पूल वही है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा जो भैंसों की पूंछ पकड़ के तैरना सीखा हो या उनकी पूंछ पकड़ के तैरते थे, ऐसा कोई है? ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर होगा। कौन सा होगा, सतोपंत ग्लेशियर, याद रख लेना। कौन सी निकलती है, अलकनंदा रिवर, ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, जहाँ पे मिलन होता है उसी को देवप्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन। आ गया ओंग और टेल, हस दो, सियोनाथ, जोंकिंग, इब, ये अलग अलग तरह की ट्रिब्यूटरीज है। पूछा जा रहा है ये ट्रिब्यूटरीज जो हमने पढ़ी ये किसकी हैं, कृष्णा, गंगा, कावेरी, महानदी। करेक्ट आंसर क्या लगाऊं यार, मैंने तो किया है यार ऐसे, मैं बचपन में अपने जब गांव जाता था तो ये काम करता था, पर उसमें डर ये लगता था कि भैंस पानी के बीच में आके बैठ जाती है, तब पता होना चाहिए, छोड़ के भागना भी है, ठीक है, भैंस की नहीं है अपने पर तो, अरे भैया जरूरी था ये तो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, महानदी रहेगा, महानदी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, कोल्हापुर सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कोल्हापुर जो है किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। करेक्ट आंसर दीजिएगा, डर लगता है भैंस से तो, अब नहीं रखी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते कुत्ते से डर लगता है, अब हमने कुत्ता पाला हुआ था कुत्ते से ज़्यादा डर नहीं लगता है, ऐसी जिन्होंने गाय भैंस ये रखी होती है वो ज़्यादा नहीं डरते हैं, है ना। आंसर लगाओ, आंसर होगा कोल्हापुर। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, अच्छा लगाओ आंसर, ठीक है। महाराष्ट्र की नदी के किनारे पंचगंगा याद रखना है। नेक्स्ट आएगा, अच्छा रिवर का नाम ये देख लेना, पांच रिवर कौन कौन जिसको पंचगंगा बोलते हैं, कृष्णा, वीना, सावित्री, कोयना और गायत्री, अगर याद कर सो तो कर लेना। आगे आइएगा, विच टाइप ऑफ डैम इज़ अ टेम्परेरी डैम कंस्ट्रक्टेड, ये क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादा क्वेश्चन आपने देखा नहीं है, देखना इसको भाई। ये कह रहे हैं कि किस तरह का डैम है, मान लो कोई एरिया बीच में गड़बड़ कर गया तो बीच में एक डैम बनाएंगे उस एरिया को सही करने के लिए, उस तरह के डैम को हम लोग क्या कहते हैं। स्ट्रक्चर देखो ऐसा कुछ होता है, पानी के बीचों बीच ऐसा कुछ एरिया बना रखा है उसको सही करने के लिए या कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इस तरह के डैम को हम बोलते हैं कोफर डैम। कौन सा डैम है, कोफर, रट लो इसको, कोफर डैम होगा, ठीक है, क्या होगा, कोफर डैम होगा। आगे चलूं, इधर आ जाओ, कोफर डैम जो होता है एक टेम्परेरी डैम होता है, डिटेंशन डैम क्या होता है, रन ऑफ स्ट्रीम को रेगुलेट करने के लिए डैम बनाया जाता है। वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, इनमें से किस राज्य के अंदर है, चलो अभी जस्ट पढ़ के हटे, किस राज्य के अंदर जल्दी से बताओ, हाँ जी फटाफट से आंसर दोगे, किस राज्य के अंदर होगा, लोकटक वाला एरिया, मणिपुर,
लोकटक वाला एरिया मणिपुर। नेक्स्ट आ जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिरकी वाटरफॉल लोकेटेड। सिरकी, गजब सवाल है यार, गजब। सिरकी झरना कहाँ पर है, एक नंबर का क्वेश्चन। कॉफ़ी से याद आ गई, कॉफर से, ठीक है ऐसे याद कर लो, पहली बार देखा कोई बात नहीं, एग्जाम में आ सकता है, इस तरह के नए नए सवाल भी आ सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ना हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिकरी वाटरफॉल लोकेटेड, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, अरुणाचल। ये ना नॉर्थ ईस्ट के आपको अच्छे से याद करना है, नदियाँ झरने बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, याद करना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है, रेन जो है, बारिश जो है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है, कंडेंसेशन है, डीकंटेनेशन है, सेडिमेंटेशन है, करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं, ठीक है जल्दी से बताओ। अब हमको लगभग लगभग 1.5 घंटा हो गया और 5 या 10 मिनट के बाद हम लोग 100 क्वेश्चन अचीव कर लेंगे, 5 या 10 मिनट के बाद। मैं ना इसीलिए सोचता हूँ कि 1.5 घंटा 2 घंटे क्लास रखूँ और अलग क्लास रखूँ, क्योंकि 1 घंटा अगर मैं 4 घंटे पढ़ाऊँ तो मुश्किल हो जाता है, और रिकॉर्ड मैं कर नहीं पा रहा था आजकल, इसलिए ये वाला तो मैंने लाइव लेने की सोचा है। इसका भी पार्ट सेकंड आएगा, पॉलिटी का और इसका, दोनों का दो दो पार्ट में आएगा, ठीक है। चलो, तो रेन इज लिक्विड, प्रेसिपिटेशन होगा। नेक्स्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइडल पोर्ट। एक तो आप ये बता देना टाइडल पोर्ट कौन सा है, दूसरा आप मुझे ये बता देना कौन सा पोर्ट ऐसा है जिसको 3 साइड से ज़मीन ने घेरा हुआ है, जिसके 3 साइड पे लैंड है, 3 साइड पे ज़मीन है, वो कौन सा पोर्ट है, वो कौन सा बंदरगाह है, आंसर लगाओ। एक बार जितने बच्चे लाइव हैं कमेंट करके बताओ, सर सबको मज़ा आ रहा है क्या, एक रिवीजन हो रही है आप लोग भी अच्छी खासी, फटाफट से कमेंट करके बताओ। टाइटल पोर्ट की बात करें, कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट कहाँ पे है, गुज्जू, कांडला गुज्जू में चिपका देंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, 3 साइड से घिरा हुआ, यह डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम होगा, विशाखापट्टनम डीपेस्ट पोर्ट में से एक है, ये वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट है। हाँ यार, वर्ल्ड का एक में करवा दूंगा, अभी वर्ल्ड का इसमें आया नहीं है, वो पार्ट सेकंड में ही आएगा, या वो पार्ट अलग ही होगा, क्योंकि इसके अंदर अभी काफ़ी क्वेश्चन है। एक तरह मैं देखो यार, मेरा मैराथन करवाने का मेन मकसद तुम्हें बता दूं मैं क्या है, मेन मकसद मेरा ये है कि हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ना, जो क्वेश्चन पुराने हैं उनको रिवाइज कर, ठीक है। ज्योग्राफी सेशन वैसे लगेगी के बाद, ये मतलब क्या है इसका, अक्षय भाई क्या लिख दिया, अच्छा इजी लगेगी, अच्छा इजी। अच्छा इसको ना पढ़ना एक बार, मतलब जितने भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, बेसिक सा मेन फंडा ये है। मैंने इसके क्वेश्चन में बताया तुम्हें क्वेश्चन कितने बनाए, मैंने पूरे ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, लगभग 220 या 230 क्वेश्चन बनाए हैं। तो आज का सेशन लगभग 120 या 110 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं 90 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, तो फटाफट से करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज सिचुएटेड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये क्वेश्चन देखो, इसका कोई सर पैर नहीं, आज से पहले हमने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको याद करना है मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा है, तावा, और बाकी जितने हैं ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। आ गया, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज नोन एज, भाई जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, उस टुकड़े को क्या कहते हैं, उस टुकड़े को प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आओ, द सिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड इन द माउथ ऑफ यंगटेज रिवर। अब ये क्वेश्चन दमदार है, यंगटेज रिवर चाइना की सबसे लंबी है और एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो सवाल ये कह रहा है कि कौन सी सिटी यंगटेज नदी के पास है, ये इसके किनारे मुहाने, जो आपको अच्छा लगे आंसर दीजिएगा, शंघाई, बीजिंग, लाशा, ग्वेंग जू, करेक्ट आंसर दो। अच्छा अच्छा सही सही सही, सही। चलो आंसर दीजिएगा, आंसर रहेगा शंघाई। है जबरदस्त क्वेश्चन। अगला सवाल, किस मिनरल को हम बरिड सनशाइन बोलते हैं। यार बरिड सनशाइन तो है ही है, जमीन से निकलता है, आती आग लगा देता है, कोयल है, कोयल कोयल
सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। सबसे बेकार पीट होता है, ब्राउन कोल लिग्नाइट को बोलते हैं, ब्राउन कोल लिग्नाइट को बोलते हैं, लिग्नाइट। आगे आ जाओ, झारिया और चंद्रापुरा कोल फील्ड आर लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गजब का सवाल, गजब का सवाल है, लगा दो आंसर। झारिया, झारिया, झारिया से झारखंड, झारिया से झारखंड, ठीक है, झारिया से झारखंड याद कर लेना, झारिया झारखंड चंद्रपुरा याद रख लो। बिट्यूमिनस सेकंड नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन मिनरल कॉन्स्टेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ अर्थ। देखो, सियाल, सीमा, निफी, तो ज्यादा में क्या मिल रहा है हमें, ये मिल तो रहा है सिलिका। लगाओ आंसर, लगाओ आंसर, बन गई बात। नेक्स्ट आ जाओ, द इंप्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ एन डेड इंसेक्ट ऑन अ हार्डेंड मड इज गिवन बाय। ये कह रहा है कोई मर जाता है, पेड़ पौधे जानवर, उसके बाद उसके ऊपर एक मोटी सी परत लेयर जम जाती है, किसकी, अवशेषित की, जीवाश्म की, फॉसिल की, ठीक है, इतना याद रख लोगे। नेक्स्ट आओ, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन नेम्ड एज डैश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। शिफ्टिंग कल्टिवेशन किसको बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर बोल रखा है, शिफ्टिंग भैया झूम कल्टिवेशन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो बाकी ये कल्टिवेशन आप याद कर लेना। झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, दहिया जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, पुडू जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, कुमारी जो है वेस्टर्न घाट के अंदर है, खिल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बच्चे नहीं कर पाए थे आंसर, खिल। नेक्स्ट आएगा, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ है भाई सिल्वर फाइबर, लेदर, ऑयल सीड, जूट, कॉटन, क्या लगाओ आंसर। आज के सेशन में ना बच्चे थोड़े कम आए हैं ना, ये बात तो है, एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो मैं भी फोर्स नहीं करता, चलो यार लाइव आके देखो। करेक्ट आंसर रहेगा कॉटन, कॉटन बेस्ट जो है काली मिट्टी के अंदर होता है, काली मिट्टी को हम रेगुर सॉइल बोलते हैं, ये भी हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद ये वाला टेबल मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, इनको रटो, राउंड फॉर पोटैटो, ग्रीन फॉर हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रे फॉर फर्टिलाइजर, पिंक फॉर प्रान और ऑयल ऑनियन, वाइट फॉर मिल्क, ब्लू फॉर फिश, रेड फॉर मीट। इनमें से याद इनको भाई साहब को कर लेना, दुर्गेश पटेल को, वर्गीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी आप देख लेना। इधर आओ, येल्लो का मतलब तिलहिल के बीज, ब्राउन का मतलब लेदर, कोका, गोल्डन फाइबर जूट, खाली गोल्डन होगा फ्रूट्स, सिल्वर होगा तो एग, सिल्वर फाइबर होगा तो कॉटन, प्रोटीन होगा तो एग्रीकल्चर, याद कर लेंगे। आगे बढ़ूँ, अगला सवाल, बरीड सनशाइन, गिव मी सनशाइन, छोड़ दो, आगे। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन इंडिया, माइका इन इंडिया, मिका इन इंडिया, करेक्ट आंसर लगाओ, ताबड़तोड़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश, प्रोड्यूसिंग स्टेट में तो आंसर लगाना है, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया, आप लोगों को पहुँचने दे रहा वहाँ तक ना, चलो इसका आंसर लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बिट्यूमिनस कोल फील्ड इन इंडिया, चलो अब तुम बताओ आंसर इसका क्या। लगाओ जी आंसर, करेक्ट आंसर, ये लंदू है, तलचेर है, रामपुर है, झारिया है। अच्छा, इलेवन झारिया, और करेक्ट आंसर ही झारिया, अभी जस्ट पढ़ा भी था हम लोगों ने। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन मिनरल कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास ऑफ अर्थ। यार जस्ट अभी तो पढ़ा था, ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन है ना, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, सिलिका। नेक्स्ट आएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड, कॉफ़ी तो नहीं है, मिल्क वाइट है, वीट और बार्ले, इनमें से एक लगा दो, आंसर ले जाओ। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अ पॉलिसी, अब ये क्वेश्चन तुम्हें सोचना पड़ेगा, अ पॉलिसी विच इन्वॉल्व फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच वुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज। ये कह रहा है कि ऐसी नीति के बारे में बताओ जिसके अंदर मैक्सिमम साइज लैंड का फिक्स कर दिया जाएगा जो कोई भी इंडिविजुअल होगा। तो यार जब भी हम कोई ऐसी बात कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है सील कर दो, इससे ऊपर नहीं होगा, लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग, बहुत बढ़िया,
आगे आ जाओ। डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल ट्री जनरली फॉर एम्यूनिटी पर्पस। देखो इसमें ना हमें चारों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले है अर्बोक्रीकल्चर, इसका मतलब होता है अपनी खेती बाड़ी खुद के लिए करो। सिल्वी कल्चर, इसका मतलब ग्रोथ करो, स्ट्रक्चर करो, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट वैल्यूएबल नीड्स के लिए बनाओ। विनी कल्चर, हार्वेस्टिंग अंगूरों की। फोरलोरी कल्चर, फ्लावर्स के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा अर्बोरी कल्चर। अच्छा सवाल है, ठीक है नेक्स्ट आ जाओ। भाई मेरे पास भी ऐड आ गई, एस्ट्रोटॉक वालों की ऐड आई है, मुझे तो ज्योतिष वाले कह रहे हैं हम तेरा फ्यूचर बताएंगे, वो वाला है। जैसा आदमी वैसी ऐड आ रही है। विच फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एज स्लैश एंड बन फार्मिंग? स्लैश एंड बन फार्मिंग किसको कहा जाता है? आंसर दीजिएगा। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है। करेक्ट आंसर लगाओ। चलो गजब सवाल अगला। चलो जी करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड अ रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया? आंसर लगाओ। देखो भाई अब ये सवाल है ना, इस सवाल को यहाँ छोड़ो और ये कमेंट सेक्शन में तुम आंसर करोगे। ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसके साथ तुम ये तीन मतलब जो दो स्लाइड है ना, खरीफ क्या है, रेनी सीजन में होती हैं, जून से सितंबर में होती हैं, हार्वेस्टिंग का महीना क्या है और कौन कौन से एग्जांपल है, पेपर में रखा रखा है क्वेश्चन है। राबी का आप रटोगे, आप जायद का रटोगे, बस ये आपको रटना है। और बाकी जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे कि करेक्ट आंसर मैं क्या लगाऊंगा, ठीक है। अब रही बात इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर @dsharma030 या GSWorld पर सर्च करो, पीडीएफ मिल जाएगी। इसका पार्ट सेकंड आएगा वो रिकॉर्डेड करो, ठीक है। इस साइड में घोड़े पर घूम रहा हूँ, बस 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 होने वाली शादी तुम्हारी। चलो एक बार सारे बच्चे फटाफट से सेशन को लाइक कर दो यार, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आए, जितने भी आए लाइक करो। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलो एक और रिवीजन करेंगे हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की में आइडियली दो रिवीजन करनी चाहिए, एक रिवीजन फॉर इंडियन बचा हुआ है और एक फॉर वर्ल्ड बचा हुआ है, वो दोनों मैं करवा दूंगा। पॉलिटी का भी एक और सेशन डाल दूंगा, एक हिस्ट्री का मैराथन होगा बहुत जल्दी। कब आएगा सेकंड ईयर, कोशिश करूंगा कल तक डाल दूं, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना लूं क्योंकि पेपर नज़दीक है, कल तक डाल दूं मैं, ठीक है। चलो राधे राधे जी, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर। और रात को 9:30 बजे तो भैया अन अकेडमी पर आपको आना ही है, मॉक देना ही है।